अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल समीना मुस्तफ़ा। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज है संडे का दिन और ये देखें मीरब हेल्प करवा रही है मुझे, झाड़ू निकाल के दे रही है, सफाई करने में मुझे हेल्प कर रही है संडे के दिन। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी, जो कि संडे वाले दिन एक साथ बैठ के खाने में मज़ा ही कुछ हो रहे। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी बीफ और मसूर की बिरयानी, जो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अच्छा जी, यहाँ पे बिरयानी बन चुकी थी और हम लोग दोपहर का खाना खा रहे थे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी थी बिरयानी। और फिर उसके बाद हम लोग शाम को बाहर गए थे, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। कुछ चीज़ें लेनी थी और नाश्ता वगैरह लेना था, इसलिए हम बाहर गए थे। अच्छा जी, पहले हम यहाँ पे आए थे अपने मोबाइल का कवर लेने। जो मेरा मोबाइल लिया था तो उसका कवर लिया ही नहीं था साथ में, तो इसका कवर लेने के लिए आए थे यहाँ सदर मार्केट में से। पहले प्रोटेक्टर चढ़वाया, प्रोटेक्टर भी नहीं लगा हुआ था, उसके बाद कवर लिया यहाँ से। मुझे कवर पसंद आ गया था और यही वाला डन करवाया, ये बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्रिस्पो से नाश्ता ले लिया था। उसके बाद ये हारून को पेस्ट्री चाहिए थी, तो हारून ने अपने लिए पेस्ट्री ली थी। और फिर हम लोग जा रहे थे घर की तरफ, तो फिर रास्ते में गोलगप्पे फिर खाए। गोलगप्पे देखे तो आपको पता है खाने का दिल ही करता है, तो फिर यहाँ पे गोलगप्पे खाए। फिर यहाँ पे गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार थे। और बच्चे तो आए नहीं थे, मीरा साहिब घर पे थे, तो उनके लिए हमने पार्सल ले लिया था।
और फिर यहाँ पे जी हम लोग घर पे आ गए थे, तो बच्चों को बहुत भूख लगी थी, तो इसलिए वो कह रहे थे मम्मा क्या लेके आए हो। बच्चों के लिए गोलगप्पे और बर्गर लेके आए थे और फ्रूट चाट लिया था। फिर हमने खाना खाया यहाँ पे घर पे आके, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और जी आज के दिन माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया, इतवार का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ हमने क्या क्या नाश्ता लिया था। ये केक लिया था एक, और यहाँ पे दो स्लाइस लिए थे, और टोस्ट वगैरह लिए थे। वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I sail the world to find you.